चलिए गाइस, तो अब हम बात करेंगे हमारा इरेज 2 के बारे में, रिमूव 2 के बारे में एंड ऑमिट 2 के बारे में। अगर एग्जाम में हमसे कहे कि क्या करिए, ऑमिट 2 करिए, इरेज 2 करिए या कहे रिमूव 2 करिए, इन सबका मतलब एक ही होता है गाइस, कि जो 2 दिया हुआ है उस 2 को हटा दीजिए। तो यहाँ पे 2 जो आता है वो 3 तरह से आता है। अगर आपको लगे कि एग्जाम में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें केवल एक टू दिया हुआ है, तो एक टू की जगह पे गाइस हमें क्या करना है, उस टू के प्लेस पर एक्सट्रेमली लिख देना है। एक्सट्रेमली लिखना है, स्पेलिंग होती है EXTREMELY। अगर गाइस एक टू दिया हुआ है तो उस टू की जगह पे हमें क्या करना है, एक्सट्रेमली लिख देना है। तो इसका आंसर सुनिएगा, ही इज एक्सट्रेमली बिजी। चलिए अब मैं आता हूं नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, राधा इज टू प्राउड। हमसे गाइस एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इसको रिमूव 2 करिए, रिमूव 2 करिए, इरेज 2 करिए, ऑमिट 2 करिए, ये सारी बातें सेम होती हैं। वो तो हमसे ये कहना चाहता है कि क्या करिए, 2 को हटा दीजिए। तो हमने देखा गाइस यहाँ पे हमारा एक 2 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस 2 की जगह पे गाइस एक्सट्रीमली लिख देना है। यहाँ पे 2 की जगह पे अगर एक 2 दिया हुआ है तो हम एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दो लगा सकते हैं, लेकिन गाइस अगर हम एक्सट्रीमली लगाएंगे तो उसी प्लेस पर लगाएंगे, और अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो 2 को कैंसिल करके सबसे लास्ट में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। तो चलिए गाइस इसका आंसर सुनिएगा, राधा इज एक्सट्रीमली प्राउड। अगर गाइस हम इसमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो कैसे करेंगे, आंसर सुनिएगा, राधा इज प्राउड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। चलिए अब मैं आता हूं नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। एग्जाम में गाइस हमसे कहा कि क्या करिए, इसको रिमूव 2 करिए। हमने देखा गाइस सेंटेंस में 2 2 आए हुए हैं, यहां पर 2 2 आए हुए हैं। हमसे इन्होंने एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इरेज 2 करिए, रिमूव 2 करिए या ऑमिट 2 करिए। तो हमें क्या करना है गाइस, इस पहले 2 के प्लेस पर SO100 लिखना है, बाकी सारा कॉपी करना है। और गाइस इस दूसरे 2 के प्लेस पर दैट सब्जेक्ट ये वाला प्रोनाउन लेकर आना है। तो हमने देखा सर ही लिखा हुआ है, तो हमने गाइस यहाँ पे ही लिख दिया। दैट सब्जेक्ट कैन या कुड, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है गाइस, तो यहाँ पे हम कैन लगाएंगे। अब ऊपर कहीं नोट नहीं है तो यहाँ पे नोट आना है, अगर ऊपर नोट होता गाइस तो नीचे यहाँ पर नोट हम नहीं लगाते। उसके बाद क्या करना है, बिन से लेकर सारा गाइस हमें कर देना है कॉपी, और एंड में लगाना फुल स्टॉप। चलिए इसका एक बार आंसर सुनिएगा, ही इज टू स्लो दैट ही कैन नॉट बिन द रेस। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, ही इज टू फूलिश टू विन द इलेक्शन। हमसे गाइस एग्जाम में कहा कि क्या करिए, ऑमिट 2 करिए, इरेज 2 करिए या रिमूव 2 करिए। तो हमने देखा गाइस यहां पर 2 2 दिए हुए हैं, तो हमें गाइस पहले 2 के प्लेस पर क्या करना है, SO100 लगाना है, और दूसरे 2 के प्लेस पर क्या करना है गाइस, दैट सब्जेक्ट कहां सर आए, कहां से आए, तो यहां से गाइस हमें लेना है, यहां पर जो प्रोनाउन लिखा है उसको लिखना है। दैट सब्जेक्ट कैन करें या कुड करें, तो गाइस देखा पहला प्रेजेंट में है तो हम कैन करेंगे, नोट लगाएं या नहीं लगाएं, ऊपर नोट नहीं है गाइस तो यहाँ पे नीचे नोट आना चाहिए। तो इस 2 के प्लेस पर हमें दैट सब्जेक्ट कैन नॉट इतना लिखना होता है। उसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, बिन से लेकर लास्ट तक सारा कर देंगे यहाँ पर हम कॉपी, एंड में लगाएंगे फुल स्टॉप। चलिए गाइस इसका आंसर सुनिएगा, ही इज सो फूलिश दैट ही कैन नॉट बिन द इलेक्शन। चलिए अब मैं आता हूं गाइस मेरे नेक्स्ट स्लाइड पर। मेरा नेक्स्ट स्लाइड में पहला जो सेंटेंस है गाइस वो है, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। हमसे गाइस कहा कि क्या करिए, रिमूव 2 करिए। तो हमने देखा गाइस यहां पर 2 2 दिए हुए हैं, तो पहले 2 के प्लेस पर गाइस हमें 100 लगाना है, और दूसरे 2 के प्लेस पर गाइस हम दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां से लेते हैं, इसका प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो गाइस प्रिंसिपल का प्रोनाउन हम क्या लिखें, तो गाइस प्रिंसिपल में लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है प्रिंसिपल, तो
यहाँ पे मैं लड़का अज्यूम करके, लड़का मानकर ही लगाता हूँ। दैट सब्जेक्ट कैन लगाएं यहाँ या गाइस कुड लगाएं। तो पहला हमने देखा गाइस प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैन। ऊपर नॉट नहीं है कहीं भी, तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अब हमने देखा टू के प्लेस पर हमें क्या करना होता है, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, इतना करना होता है। बाकी हम गाइस क्या करेंगे, अटेंड से लेकर लास्ट तक सारा कर देंगे हमारा, हम कॉपी एंड में लगाएंगे गाइस फुल स्टॉप। चलिए इसका आंसर सुनिएगा। द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, द बॉयज आर टू प्राउड टू लर्न। हमसे एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इसको रिमूव टू करिए। तो हमने देखा गाइस यहाँ पर दो टू दिए हुए हैं, तो हम गाइस क्या करेंगे, पहले टू के प्लेस पर सो लगाएंगे और दूसरे टू के प्लेस पर दैट सब्जेक्ट गाइस, इसका प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे हैं बॉयज, तो बहुत सारों का प्रोनाउन हमारा गाइस दे होता है। दैट सब्जेक्ट कैन या कुड पहला प्रेजेंट में है, आर आया हुआ है, तो कैन लगाएंगे। अगर गाइस यहाँ पे बर होता, बहुत सारों के हिसाब से प्लूर के हिसाब से बर होता, तो गाइस यहाँ पे हम कैन का कुड करते, क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा फास्ट में दिया हुआ है इसलिए। अब हमने गाइस क्या किया, टू के प्लेस पर दैट सब्जेक्ट कैन, ऊपर नॉट नहीं है तो यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। बाकी गाइस हम क्या करेंगे, लर्न को कर देंगे गाइस एज इट इज कॉपी। तो चलिए इसका आंसर सुनिएगा। द बॉयज आर सो प्राउड दैट दे कैन नॉट लर्न। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, द लॉइन इज टू बॉक टू बीक टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो लॉइन कैसे स्कूल जा सकता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू बॉक, केवल इतना लिख देता हूं। तो द लॉइन इज टू बीक टू बॉक, अब गाइस ये सही हो गया। हमसे एग्जाम में कहा कि क्या करिए, इसको रिमूव टू करिए, दो टू है इसमें, तो हमने क्या किया गाइस, पहले टू के प्लेस पर सो किया सिंपल, और दूसरे टू के प्लेस पर हमें कितना करना होता है, दैट सब्जेक्ट इसका प्रोनाउन आता है। तो हमने देखा लॉइन मस्कुलिन जेंडर है, हमने गाइस यहाँ पे ही कर दिया। देखा पहला प्रेजेंट में है तो कैन लगाया, ऊपर नॉट नहीं है तो नीचे नॉट आया। तो गाइस इस टू टू की जगह पे हमें दैट सब्जेक्ट कैन नॉट इतना करना होता है। बाकी हम क्या करेंगे, बॉक कर देंगे गाइस यहाँ पे कॉपी, एंड में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जरा इसका आंसर सुनिएगा, लॉइन इज सो बिग दैट ही कैन नॉट बॉक। चलिए अब मैं आता हूँ नंबर मेरे नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। यहाँ पर हमने देखा गाइस दो टू दिए हुए हैं, पहले टू की जगह पे हमें सिंपली क्या करना है, सो लगाना है, और दूसरे टू की जगह पे हमें दैट सब्जेक्ट इसका प्रोनाउन आता है। यहाँ पे हमने देखा गाइस ये जो दिया हुआ है हमारा बेजान है, तो बेजान के लिए हमें गाइस या तो इट लगाना होता है प्रोनाउन, गाइज हमें बन लगाना होता है। अगर यहाँ पे टू के बाद बी दिया हुआ है तो गाइज हम क्या करेंगे, बेजन होने की कंडीशन में इट लगाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इट लगा दिया, दैट सब्जेक्ट कैन या कुड पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है, कैन लगाया, पर गाइज कहीं भी नॉट नहीं है तो नीचे नॉट आना चाहिए। तो हमें ये पता है कि टू के प्लेस पर हमें कितना करना होता है गाइज, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट। बाकी हम क्या करेंगे, बी से लेकर परचेज तक सारा कर देंगे कॉपी। चलिए गाइज इसका आंसर सुनिएगा, ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। चलिए गाइस अब मैं आता हूं नंबर मेरा नेक्स्ट पर। नंबर नेक्स्ट है गाइस, ही इज टू प्योर टू बाई बुक्स। हमने देखा यहाँ पे दो टू दिए हुए हैं, तो गाइस हमें क्या करना है, इस पहले टू की जगह पे सो करना है, इस टू की जगह पे दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, और बाकी सारा हम कॉपी करते हैं। तो गाइस जरा इसका आंसर सुनिएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स। तो गाइस ये हमारा रिमूव टू का पार्ट वन होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा पार्ट टू में, उसके बारे में बात करेंगे।